कहीं भी जाएं दोस्तों हम किसी के भी घर, तो हम गार्डनर्स का ही फ़र्ज बनता है कि कुछ प्लांट्स हम लेके जाएं, और जो भी हमारे घर में फ्रूट सब्जी होती है वो भी लेके जाएं। और जिनके भी घर हम जाएं, जहाँ भी हम जाएं, तो मेरे ख्याल से हर किसी को हमें प्लांट्स लगाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए और थोड़ी बहुत जानकारी भी देनी चाहिए जितनी हमारे पास है। तो मैं भी आज कहीं गई हूँ, तो जो भी मेरे घर जैसे नींबू है, जो भी हुआ है, मैं थोड़ा थोड़ा लेके गई हूँ और प्लांट्स भी लेके गई हूँ। तो ऐसे ही आप करिए दोस्तों। तो इस वीडियो में ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, पर एक संदेश देना चाहती हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से कि हम जैसे हम लगाते हैं प्लांट्स, मतलब हम हर किसी को ऐसे मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो भी प्लांट लगाए और हमारी धरती को हरा भरा बनाए। तो आज की वीडियो में वही है, छोटा सा संदेश दोस्तों, तो देखते रहिए वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, श्यामा गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज आप सोच रहे होंगे कि ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और ये कहाँ है श्यामा गार्डन आज। तो श्यामा गार्डन आज नोएडा में है दोस्तों। तो हम आए बेटी के पास और बेटी ने बोला था कि मम्मा तुलसी लेके आना, मेरी तुलसी ख़राब हो गई है। तो मैं एक लाई हूँ, ये देखिए तुलसी का प्लांट। तो ये हम लाए हैं बिटिया के लिए तुलसी का प्लांट, और एक ये टूट गया था मनी प्लांट का काम वाली बाई से, तो मैं इसको भी उठा लाई हूँ। बस दीदी की पहले दिखाती हूँ दोस्तों बिटिया के पास कौन से प्लांट लगे। पहले तो है ये मनी प्लांट, तो मॉस्टिक लगी हुई है, दो हैं साथ साथ। तो मॉस्टिक में से फिर इन्होंने ऐसे बेल में इधर वो ग्रिल पे चढ़ा दिया। जॉब वाले बच्चे हैं, टाइम है नहीं इनके पास, तो जब मदर इन लॉ आती हैं, फादर इन लॉ आते हैं, उनको भी बड़ा शौक है, तो फादर इन लॉ कर देते हैं या फिर मैं करती हूँ जब मैं आती हूँ। और नेक्स्ट है स्नैक प्लांट, देखिए कितना सुंदर है वेरिएशन वाला। स्नैक प्लांट है, उसके बाद मैं गेंदे की एक पौध लगा चुकी हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हुई है लाते टाइम। एलोवेरा का लगा रखा है, ये भी वहीं से लाई थी मेरे पास से। तो उसके बाद फिर एक स्नेक प्लांट है, एक मनी प्लांट ख़राब हो गया तो मैंने इसकी स्टिक ये निकाल दी है, और उसी में से मैंने फिर वो गेंदा लगा दिया। और अगले में फिर स्नेक प्लांट है, ठीक है, ज़्यादा हार्डी प्लांट ये जो चलने वाले हैं ना यही लगा रखे हैं, क्योंकि कई बार फिर ससुराल चले जाते हैं, महीना महीना पानी नहीं डालता, तो इसी चक्कर में इनकी तुलसी सूख गई है। तो ये भी येलो किनारी वाला मेरे पास नहीं है, बल्कि ये मैं सोच रही हूँ एक यहीं से ले जाऊँगी, मेरे पास सारे प्लेन वाले हैं दूसरी तरह के हैं। तो ये इसमें भी है, इसमें देखिए मोगरा लगा हुआ है, तो सही चल रहा है मोगरा भी, जबकि मोगरे का डोरमेंसी पीरियड है, यहाँ धूप भी बिल्कुल लिमिटेड सी मिलती है। और अगला प्लांट ये है, ये भी शायद से पिछली बार मैंने ही लाके लगाया था, एक रियांश रजनी को दिया था और एक में यहाँ लगा दी थी। तो ये देखिए इसमें बीच बीच में सूख रहे हैं, मैं इसको क्या करूँगी, इसकी ना कटिंग कर दूँगी, यहाँ से इसकी प्रूनिंग कर देंगे ना ऊपर ऊपर से, ज़्यादा लेगी लेगी हो गए, इनको पता नहीं है ना, थोड़ी सी ऐसे कटिंग हो जाती ना तो फिर ये सही घना घना हो जाता। अभी क्या देखो लंबा कितना हो गया है, फोन का ये। सारे निकाल देंगे इसके, एक ये और है इसका नाम नहीं पता मुझे, और एक मैंने ये पॉट तैयार किया है, इसमें अब मैं ना ये दो गेंदे की पौध लगा देती हूँ। मिट्टी ऑलरेडी जो इनकी बनी हुई थी वो ही मैंने यूज़ की है, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है करने के लिए, तो मगर थी तो बहुत टाइट मिट्टी, तो मैंने काफ़ी मिट्टी इसकी ना बीच वाली सेंटर वाली टाइट निकाल दी और इसको बिल्कुल लूज़ कर लिया, लूज़ करके, और इसमें मैंने गोबर की खाद मिला दी है। ये देखिए ऐसी डली डली हो रही है, कई दिनों से खाली गमला पड़ा था, और इसमें मैं डीएपी के लिए के आई हूँ, वहाँ थोड़ी सी पुड़िया में डाल के दाने,
तो ये एक पिंच बस 5-6 दाने DAP के डाल देंगे इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने बॉटल में 1 चम्मच हल्दी डाल दी है, तो मैं थोड़ा सा हल्दी वाला पानी इसमें पहले डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी ऑब्जर्व हो जाने देंगे, फिर जो डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा सिंपल डाल देंगे। तो ये देखिए, ये दो प्लांट है, मैं सोच रही दोनों ही एक में ही लगा दूँ। गमले तो वैसे और भी पड़े हैं, ये खाली, पर सब में मशक्कत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिन के पड़े हैं ना, तो बिल्कुल मिट्टी टाइट हो रही थी। और लगा तो दे रही हूँ, पता नहीं इनसे केयर होगी कि नहीं होगी, जितनी भी होगी ठीक है। मैंने पूछा था कोई फूल वाला लाऊं, कहती चलो मम्मी ले आना फूल वाला, हो तो कोई, तो मेरे पास ये बहुत सारी गेंदे की पौधे थी, तो मैंने पता था, मैं कहती हाँ जगह तो कमी है, तो मैं 2-3 ले आई थी। तो चलिए एक में ही 2 लगा दिए हैं, और थोड़ा सा सिंपल पानी ऊपर से और डाल देते हैं। पहले हल्दी वाला डाल चुके हैं, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि यहाँ पर ना धूप नहीं आती बिल्कुल भी। तो चलिए 2 गेंदे के यहाँ लगा दिए हैं, 1 गेंदे का वहाँ लगा दिया है, और उस गेंदे में भी 2-4 दाने DAP के डाल देते हैं। यहाँ पर धूप धाप तो बहुत समस्या है धूप की, तो ये देखिए इसमें भी डाल दिए 2-4 दाने DAP के, और इसमें भी थोड़ा सा वाटरिंग कर दूंगी। और तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी तुलसी माता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, 200-250 किलोमीटर से चल के आए हैं ये प्लांट, और कहते हैं ना दाना पानी, इनका भी आज दाना पानी नोएडा का था, तो ये भी यहाँ पे आ गए हमारे साथ साथ। और चलिए इनको भी, इसका नाम बताइएगा दोस्तों, मैं भूल गई हूँ क्या नाम है इस प्लांट का। तो ये देखिए, ये सूखे निकाल देते हैं, इसके भी निकाल देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और आप भी जहाँ जाएँ अपने रिश्तेदारों में थोड़ी थोड़ी प्लांट लेके जाइए, और धरती को हरा भरा बनाइए। जिनको शौक नहीं है उनको भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा कीजिए कि भाई थोड़ी थोड़ी तो लगाओ प्लांट। मेरे को ये अच्छा लगा कि इन्होंने स्नेक प्लांट अच्छे लगा रखे हैं, क्योंकि स्नेक प्लांट पूरा ऑक्सीजन देते हैं, और ऐसी बिल्डिंगों को बीच में कोई जहाँ पेड़ पौधे बहुत कम देखने मिलते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन देने वाले प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलो थोड़े लगा रखे हैं, मगर अच्छे लगा रखे हैं, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, एलोवेरा, पहले कड़ी पत्ता भी था, शायद से जल गया कड़ी पत्ता, तो ज़्यादा ना लगा सके तो थोड़े ही लगाओ, मगर लगाओ ज़रूर प्लांट। हमारा तो यही संदेश है कि प्लांट ज़रूर लगाइए, थोड़ी जगह है तो थोड़ी लगाइए। तुलसी जी का नहीं था, तुलसी जी भी आ गई हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, जय श्री कृष्ण।